गाइस कभी कभी लाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक टेबल लैंप है, तो ये यहाँ से अगर आप देखोगे 1, 2, 3 इसकी लाइट्स है तो ये ऑन हो जाता है, तो ये फेस पे रोशनी देने के काम में आता है। एंड इसीलिए इसको यहाँ मैंने लगा के रखा है। एंड इतना ज़्यादा तो पैसा वगैरह है नहीं कि कोई लाइटिंग अभी खरीदी है, बट ये एक जुगाड़ बोल सकते हो लाइटिंग। यहाँ पर मोबाइल देखने को मिल रहा है आपको, ये मेरा मोबाइल है, इसी का मैं यूज़ करता हूँ फॉर वेबकैम। सभी का स्वागत है सेटअप टूर वीडियो में। तो सेटअप टूर में बोल रहा हूँ और भाई कहाँ पहाड़ों में खड़ा हूँ मैं, तो भाई अब आपको बताता हूँ पूरा बिहाइंड द सीन कैसा हमारा रूम है, कहाँ हम बैठ के कंटेंट बनाते हैं, आप सभी को देते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, बाकी कुछ। ये मेरे रूम के बाहर के आप नज़ारे देख ही सकते हो, पास ही में बड़ा सा पहाड़ है, इसके जस्ट पीछे पुष्कर है और ये यहाँ पर अपने बड़े से पेड़ उगे हुए हैं, और यहाँ सामने मेरा कला स्टूडियो बोल लो, रूम बोल लो, इसी रूम के अंदर सब कुछ होता है। तो चलो मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा रूम के अंदर और दिखाता हूँ अपना सेटअप, आप इंजॉय। चलिए ओपन कर देते हैं रूम को और आपको सेटअप दिखाते हैं। सो हियर वी गो ओवर हॉल द सेटअप, यहीं बैठ के सारा कुछ काम होता है। बाकी इस तरफ आप देख सकते हो काफ़ी एनिमेज वगैरह हमने लगा रखे हैं, गोकू वेजिटा इज लव, लूफी वगैरह सब है। इधर पबजी का एक है, बाकी यही अपनी चेयर, ये अपना पूरा का पूरा सेटअप है, और ये डस्टबिन है जो खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है, बंद हो जा भाई, डस्टबिन रखना ज़रूरी होता है ताकि थोड़ा मैं कुछ भी खाऊं, टॉफ़ी वगैरह तो वेपर उसमें डाल दूं। और बाकी हमारी सुख दुख के साथी गर्मी में ठंडा पानी पिलाने वाली बोतल है, बाकी इधर एक ट्राईपोड वगैरह रखा हुआ है, इधर अपना एक प्यारा सा यूट्यूब साइन है विथ मनी प्लांट, भाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इधर शो पीस एक पेन होल्डर और क्लॉक है। बाकी इधर बात करते अपने, तो यहाँ पर अपना एक आर्चर क्वीन स्टैचू है, और इधर बात करते तो अपने बर्बेरियन किंग साहब है। बाकी यहाँ पर हमने बिठा रखा है एक प्यारा सा गोकू, और ये है अपना पूरा सेटअप, और सबसे इम्पोर्टेंट महाकाल जी और श्रीनाथ जी यहाँ पर विराजमान है, और यही पूरा सेटअप है। बाकी चलिए थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ क्या कुछ है मेरे पीसी के अंदर। तो फाइनली ऑफिशियली सेटअप टूर इज हियर, तो आज आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सेटअप के बारे में, कैसे हम यूज करते हैं सारी चीजों का, क्या क्या चीजों से हम आपके लिए डेली वीडियोस और स्ट्रीमिंग कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अपने सीपीयू पे आ जाते हैं, बोले तो अपना कैबिनेट, उसके अंदर हमने क्या क्या असेंबल करके रखा है जिससे अमेजिंग क्वालिटी कॉन्टेंट हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोसेसर हम यूज करते हैं हमारे सीपीयू के अंदर वो है राइजन 9 7950X, उसी के साथ हमारी जो रैम है वो है DDR5 64GB, हमने 16 GB की स्टिक यूज करी है, 4 with RGB, तो व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में पूरा सीपीयू बना रखा है। उसी के साथ में जो हमारा AIO है वो डीप कूल का 360 सीरीज का AIO लगा हुआ है, जो अपने सीपीयू को कूल रखता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बाद जो थर्ड थिंग आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राफिक्स कार्ड बोले तो GPU, वो हमारा यूज हुआ है RTX 3070 Ti, उसी GPU की वजह से मेरे को ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करनी पड़ती, पहले करता था, पड़ी हुई है बट अब हो गई है पैक, बिकॉज अपना ग्राफिक्स कार्ड ही सारा काम कर देता है। तो यार वेल लाइक फॉर NVIDIA, अभी बाय द वे सबसे अमीर लोग बन गए NVIDIA वाले, न्यूज सुनी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे कर दिया, नंबर वन पे आ गई NVIDIA यार, तो भाई इसलिए NVIDIA OP है भाई। और उसके अलावा मैं बात करता हूँ और क्या चीजें हम यूज करते हैं, तो बेसिकली ये माइक है, अगर मैं माइक की बात करूँ Sennheiser MK4 आप सर्च कर सकते हो, एंड थैंक्स टू सुपरसेल उन्होंने ये दिया था। बाकी हम इसका स्ट्रीमिंग किट जो हमारे को पूरा मिला था सुपरसेल की तरफ से, आई बटन में वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो। और अब वेबकैम की बात करें तो अभी मैं DSLR यूज नहीं कर रहा, मेरे पर रखा हुआ है DSLR, बट स्टिल आई एम यूजिंग लॉजिटेक ब्रायो 4K, जो कि देता आपको 4K क्वालिटी में मेरा फेस कैम जो भी होता है, तो वो सब लॉजिटेक ब्रायो 4K शूट करता है। उसके अलावा यहाँ बड़ा बड़ा अम्ब्रेला आपको दिख रहा होगा, ये लाइटिंग होती है, जो इसके बिना पूरा वीडियो ही अधूरा होता है, क्योंकि लाइटिंग इज द मोस्ट एंड की
थिंग इन योर वीडियो जो आपकी क्वालिटी को इनहेंस कर देती है। तो लाइटिंग के लिए दो अम्ब्रेला लाइट्स, एक रिंग लाइट की लाइट के रूप में मैं यूज करता हूँ जो फेस पे आती है। ये दो अम्ब्रेला लाइट वाइडर लाइट्स होती है जो कि शेडो को कम करती है और एक अच्छा क्वालिटी में वीडियो स्ट्रीम वीडियो में आप देख पाते हैं। और इसी के साथ हमने 52.6 के सब्सक्राइबर अभी कर लिए एंड सेटअप टूर वीडियो भी आ गया है। और हाँ, हमने जो बोला था कि गिव अवे भी करेंगे 50K पे, सेटअप टूर भी आएगा तो गिव अवे भी चल रहा है, पार्टिसिपेट करना है, लिंक आई बटन में, 5 गोल्ड पास 5 हीरो स्किन गिव अवे भी चल रहा है, आप पार्टिसिपेट जरूर से कर सकते हो। तो यही कुछ सेटअप है। इसके अलावा हम एक ये यूज कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ यूएसबी अब जो कि अमेजोन बेसिक्स का है एंड भाई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सारे पर्सनल यूज करता हूं मैं ना। एंड इसमें क्या होता है, आप कैप्चर कार्ड यूज करते वक्त आप अपने मोबाइल या आईपैड जो भी आप यूज कर रहे हो उसको चार्ज भी कर सकते हो, तो डिस्चार्ज नहीं होता, मतलब लॉन्ग स्ट्रीम हम कर पाते हैं। इसके अलावा वहां पीछे में एक कैप्चर कार्ड रखा हुआ है जिससे स्क्रीन कैप्चर वगैरह करते हैं। तो यही सब कुछ अपना टोटल सेटअप है। एंड इससे पहले आपने देखी होगी कुछ क्लिप्स जिसमें अपन ने बात करी अपने ओल्ड सेटअप की, जो शुरुआत कहां से हुई थी और कहां से हम यहां तक आ चुके हैं। और एक चीज मैं इंटरेस्टिंग बता देता हूं गाइस, इट्स अ कस्टम मेड टेबल। ये जो टेबल्स है ये दो अलग अलग टेबल्स है एंड ये हमने खुद डिजाइन करवाई है, खुद बैठ करके बनवाई है मैंने, मेरे अकॉर्डिंगली पूरा डिजाइन करा। एंड इसमें जो वायरिंग से लेकर के ये इतना सेटअप है, अभी आपको कुछ वायर दिख रहे होंगे, ये तो यही रखना जरूरी है, बट इसके अलावा भी बहुत वायरिंग का जंजाल है जो कि सब छुपा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टेबल। तो मैं टेबल को दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ हमने अमेजिंग से गेमिंग स्टिकर्स पूरी टेबल पे चिपका कर रखे हैं, आप देख सकते हो, गॉड ऑफ वॉर, पिकाचू एंड माइनक्राफ्ट के काफ़ी है एंड अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर अपन ने स्टिकर्स चिपका रखे हैं। ये एक मेरा हेडफोन रहता है जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत रेयरली, बट दिस इज़ आर जी राणा जी गेमिंग, सो यहाँ आर जी गाइस, आर जी ओपी, वैसे वो रेड गेयर है उसका फुल फॉर्म। एंड अदरवाइज जो मैंने बोला था होम थिएटर नीचे है, तो यहाँ इस कॉर्नर पे होम थिएटर है एंड सारा वायरिंग ये यहाँ पर कुछ ऐसे, ये मेरा ऊपर ब्रॉडबैंड पड़ा हुआ है, सारे वायर्स इतने कनेक्शंस जो नीचे कर रखे दिखते नहीं है। इसके अलावा जो मैंने सेकंड टेबल है इस पे भी यहाँ पर काफ़ी गेमिंग स्टिकर्स है और दोनों कस्टम बिल्ड टेबल्स हैं, तो मेरे को एक काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है काम करने के लिए। तो बाकी यही है अपनी टेबल्स यार, एंड सारी वायरिंग नीचे है, होम थिएटर वगैरह सब नीचे सेट हो रखा है तो वायरिंग वगैरह ज्यादा दिखती नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं होता। तो बाकी यही था हमारा सेटअप टूर वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बाहर के नजारे अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बाकी इसका कॉस्ट आप सभी गेस कर लेना। बाकी मॉनिटर के बारे में बता देता हूं, तो यहां पर अपने पास दो मॉनिटर है, दोनों बेंक्यू के, ये 2K मॉनिटर है, ये 1080p मॉनिटर है। सो बेसिकली 2K फॉर द गेमिंग, 144Hz का ये डिस्प्ले है और काफी कूल एंड अमेजिंग एंड काफी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। और ये एक नॉर्मल चैट रीडिंग एंड सेकंड जो अदर काम होते हैं उसके लिए हमने रखा हुआ है। बाकी यही था सेटअप, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लैश ऑन।